इन लोगों का कहना है कि अगर लाठी भी हम पर चले तो हम लाठी खाने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग इस बार हार नहीं मानेंगे। अच्छा, सुनने में आया है जिस अनुसार से हमें आपके आशा कर्मियों के द्वारा बात हुआ था, यहाँ पर के आशाओं के द्वारा बताया गया था, जानकारी दिया गया था, यहाँ के प्रभारी जो है आप लोगों से बदतमीजी करते हैं, आप लोगों को धमकाया जाता, क्या सच्चाई? ऐसा कुछ नहीं, अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट, ऐसा कुछ नहीं ना है। कुत्ता भुगता था, अगर हम आशा दीदी सरकारी हड़ताल पर हैं उसी तरह अभी कुत्ता से गेट पर उसी तरह कुत्ता भोगते रहेगा। आशा दीदी जब तक वापस नहीं आएगा सारे डॉक्टर चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उस समय तहखाने में नहीं पैखाने में डॉक्टर सब बंद था। उस समय हम ही आशा बहने घर घर जाके सर्वे किए थे, प्रवासी मजदूर को जाके दवाई खिला रहे, लेकिन अब जाकर आप लोगों को तो कोई महत्व ही नहीं है, आप लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं है। मांग है जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे, 1,000 में दम नहीं है, 10,000 से कम नहीं, जब तक सरकार नहीं देगी तब तक हम इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अभी हम अकेले हैं, वो नहीं सुनेगी बहरा सरकार, तो हम अपना बाल बच्चा पति सब के लेके इसी तरह बैठे रहेंगे। यानी कि आप भूखे रहिएगा तो उन्हें भी भूखा रखिएगा, उन्हें भी रखिएगा। धमकी मिलता है यहाँ के तरफ से कि ओपीडी नहीं चलने देगी तो हम FIR करेंगे, FIR कर दे, कितना को जेल ले जाएंगे, हम जेल जाने के लिए तैयार जो हो जाए। आप सभी को पता होगा कि इन दिनों आशा कर्मियों के द्वारा पूरे बिहार में धरना पर है, और इन लोगों का कहना सरकार शायद सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा, लगभग 15 दिन प्लस हो गया, लेकिन इन लोगों से ना ही कोई मिलने आते हैं और इन लोगों का ना ही कोई मांग सुनते हैं। बाकी इन आशा कर्मियों से हम बातचीत करेंगे। आपको हम बता दें अभी हमारी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत बीरपुर प्रखंड में है, और बीरपुर प्रखंड में आशा कर्मियों द्वारा देख सकते हैं धरना पर है। आप यहाँ के आशा कर्मियों से बात सुनिए, उम्मीद है सरकार से कि आप लोगों का मांग सुनेंगे। वो बहरा सरकार तो जरूर सुनेगी, सुनना पड़ेगा उसको, नहीं सुनने के बाद हम लोग इसी तरह अनिश्चितकाल हड़ताल पे डटे रहेंगे, जिस तरह से धरना पर है उसी तरह रहेंगे, उसी तरह हम लोग डटे रहेंगे। अच्छा, पिछले 15 दिन से आप सब धरना पर हैं, क्योंकि 20 दिन आज होने को चला है, ना ही आप लोगों से कोई मिलने आता है और ना ही आप लोगों का बात कोई सुनना चाहता है, फिर कैसे सुनेगा सरकार? सुनना पड़ेगा। हम लोग जब डट जाएंगे ना, सरकार जो होगा उसको झुकना पड़ेगा यहाँ, और काम पे वापस हम लोगों को फिर से उसको लेना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों का मांग क्या क्या है, आप सभी का मांग क्या क्या है, क्या है मांग? हम लोगों का मांग है, मतलब जब 9 सूत्री हम लोगों का मांग है, बकाया राशि जो है 2018-19 में हम लोग जब धरना दिए थे तो उस समय का बकाया राशि 25,000 रुपया, कोरोना में हम लोग घर घर जाके कोरोना का काम सर्वे का काम किए, प्रवासी मजदूर को खोज के यहाँ लाए, जांच करवाए, उसका पैसा अभी तक एक भी नहीं मिला है। उसके बाद हम लोगों का सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, 10,000 हम लोगों का मान दे, एकदम मासिक मान दे, वेतन दे, प्रोत्साहित में हम लोग नहीं करेंगे।
यानी कि इन लोगों का मांग है कि हमें जो हर व्यक्ति को हर सरकारी कर्मचारी को मिलता है वह हमें भी मिलना चाहिए, और इन लोगों का कहना है कि 1000 में दम नहीं और 10000 से कम नहीं, यानी कि इन लोगों को अभी 1000 रुपया मिलता है लेकिन इन लोग चाहते हैं कि हमें 1000 नहीं बल्कि हमें 10000 कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि अभी का समय में, अभी के दौर में इतना महंगाई तेजी से बढ़ रहा है, उस महंगाई में 1000 में कुछ होने वाला नहीं। अच्छा सुनिए सुनिए, पहले सुनिए सुनिए बात सुनिए। अच्छा जहां जहां सरकार से मांग कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति जो भी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं उन पर लाठी का बारिश होता है, उन्हें ना जाने कितने लाठी खाना पड़ता है, उन लोगों को जेल होता है। अगर ऐसा परिस्थिति आप लोगों पर आए तो क्या करेंगे? जेल जाएंगे। यानी कि इन लोगों का मांग है कि हम लोगों का लड़ाई सरकार से है न कि यहाँ के प्रभारी से। बाकी इन लोगों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों का कार्य बहुत भारी स्तर पर, बहुत ऊंची स्तर पर किया जाता है, कहीं ना कहीं दिन रात एक करके पेशेंट का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इन लोगों का ही कोई महत्व दिया नहीं जा रहा है। अगर हम बात करें तो बिहार में इन दिनों महंगाई बढ़ते जा रहा है, पूरे देश में ही बढ़ते जा रहा है, बिहार में नहीं, और इन लोगों का 1000 में कैसे गुजारा होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। अच्छा ये बताइए, 1200 में सिलेंडर आता है, 1200 में आता किए है आशा को, उस दिन से तीन काम को लिया बहाली किया गया था, बदियाकरण, डिलीवरी और टीकाकरण के लिए दया से कर रहे थे। अब इतना इतना रजिस्टर दिया है भरने के लिए, 1000 रुपया मानदेय किया है, 1000 में पेट भरेगा? आधा रात ठंडा दिन में लोग को चार लगता है, जखनी पेशेंट को फोन आता है तखनी हम सब नंगे उघाड़े चल जाते हैं पेशेंट को लेकर, और 15 महीने तक बच्चा को देख रेख करता है, दान में बोलिए, दान में जिला का 2019 में जब हम काम किए थे, हड़ताल किए थे, तो हम सरकार के आदेश आया था कि 1000 का मानदेय दे रहे हैं, मानदेय नहीं था, प्रोत्साहन राशि, उसमें भी सर हम लोगों को बोला गया था कि 3000 रुपया हम भेज के, हम मतलब अकाउंट चेक कर रहे हैं, उसके बाद 25000 रुपया मेरा बकाया है। मेरा मांग यही है कि वो 25000 रुपया हमारी सारी आशा बहनों को अविलंब भुगतान करें। कोरोना में काम किया वो भी पैसा नहीं दिया है, यानी कि देख सकते हैं पूरा बिहार का आशाओं के द्वारा धरना पर बैठे, और इन लोगों का एकता देखकर तो आप समझ ही रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अगर इस बार इन लोगों का मांगे पूरा नहीं किया जाएगा तो अनिश्चित हड़ताल पर है, यानी कि ना जाने कितना समय हड़ताल चलेगा। बाकी इन लोगों के बारे में आपका क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, और आशा कर्मियों को वैल्यू मिलना चाहिए या नहीं ये आप जानकारी जरूर देंगे। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे बीबीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।